सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बेटा एडिशन पार्ट कराने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एडिशन को अच्छे से समझिए। एडिशन का मतलब होता है दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना, मतलब ऐड करना। ओके बेटा, और ऐड का जो सिंबल होता है या जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी आपको इस तरीके का साइन लिखा दिखता है तो इसका मतलब होता है उन वैल्यूज को, उन चीजों को आपको ऐड करना है या जोड़ना है। तो बेटा ये क्या है बताइए, कौन सा फ्रूट है? मैंगो। वेरी गुड। स्पेलिंग क्या होती है मैंगो की? MANGO, मैंगो। ओके, सभी को मैंगो बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में बेटा कुछ बच्चे हैं जो कि मैंगोस को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, काउंट करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे। तो ये इस पिक्चर में अभी यहाँ पर आपको कुछ मैंने बताया अभी कि जब यहाँ पर इस तरीके का आपको साइन दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, ऐड करना है आपको इन दो वैल्यूज को। अब बेटा यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो आप इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करना बहुत आसान होता है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5 और इसको हमें ऐड करना है। तो 5 तो पता है आपको, अब 4 आपने लाइनें लगा ली, मान लो 1 2 3 4 है ना, 4 लाइन लगा ली। अब 5 के बाद इसको काउंट करिए, 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 9 हो गया। तो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी एडिशन में भी गलती करते हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर करते हैं। अब बेटा 0 में हमें ऐड करना है 3, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं 0 में 3 ऐड करूंगा या 3 में 0 ऐड करूंगा तो उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा और ये 3 का 3 रहेगा। अभी ये 5 है, अब मुझे इसमें 2 ऐड करना है, तो मैंने 2 लाइन करी 5 के बाद। अब मैं 2 काउंटिंग और आगे पढ़ूंगा, 6 7। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अभी 6 में मुझे कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो मैंने 2 लाइन करी, 6 के बाद की 2 काउंटिंग पढ़ूंगा, 7 8। तो यहाँ पर मेरा 8 आ जाएगा। आइए अब थोड़े से और एडिशंस देखते हैं। अब हमें ये वाले एडिशन करने हैं, 6 और 2 मैंने अभी आपको बताया कितना होता है बेटा, 8 होता है, तो 8 हो गया। 5 में 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जहां पर भी 0 ऐड होता है वो कोई भी चेंज नहीं लाता है, तो ये एज इट इज 5 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। अभी आते हैं बेटा इस पर, अब यहाँ थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज है ना। 8 में मुझे ऐड करना है 6। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था 10 का एक बंच बनाने का। ठीक है, ये एक 10 का बंच है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से 8 स्टिक्स लगाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर है आपकी 6, इनको आपको ऐड करना है 1 2 3 4 5 6। तो मैं इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको 10 चीजों पे क्या करना है, सर्कल करना है। तो इन्होंने ये 10 चीजों को सर्कल किया इस तरीके से। तो ये तो बेटा एक 10 का एक सेट हो गया, ये तो कंफर्म है 10 है। अब इसमें कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, तो 10 के आगे काउंटिंग करेंगे, 11 12 13 14। तो ये कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया इस तरीके से। आप अभी देखिए, ये 12 है और ये 5 है, इसको जोड़ना है। तो 12 में एक तो 10 का सेट बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 10 के आगे 2 बचेंगे, 2, और अभी कितने और ऐड करने हैं, 5 और ऐड करने हैं। तो 10 और 2 तो 12 होता ही है, तो 12 में 5 आगे काउंटिंग करेंगे, 13 14 15 16 17। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 17 हो गया। इसी तरीके से अब हमें 8 और 7 को ऐड करके दिखाना है, 8 और 7 को ऐड करके दिखाना है। तो आप इस तरीके से, इस मेथड से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पर 8 लाइनें करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और यहाँ पर 7 लाइन करें। तो इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7,
ठीक है ना, ये यहाँ पर 7 9। अभी मुझे क्या करना है, 10 का एक सेट बनाना है, तो 8 तो ऊपर है, यहाँ से मैंने 2 और ले लिया, तो इस तरीके से ये मेरा, ये मेरा एक सेट बन गया 10 का, ठीक है ना। ये 10 आइटम्स को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। अब आगे मैं काउंटिंग करूंगा 10 के बाद, 11 12 13 14 15, तो 8 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 15 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैंने बताया, 14 में अगर मैं 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 14 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 14 ही आंसर आएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे 12 है, 12 में 4 ऐड करिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जैसे पहले आपको 12 लाइनें करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। और अब 4 लाइन नीचे, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको 10 का एक पेयर बनाना पड़ेगा, तो ये 10 का पेयर बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 10 का पेयर, ठीक है। अब 10 का तो ये हो गया सेट। अब इसके बाद आपको आगे काउंट करना पड़ेगा, 10 तो ये हो गया, 11 12 13 14 15 16, तो 12 और 4 कितना हो गया बेटा, 16 हो गया, ओके। लाइक दिस यू कैन ऐड, 13 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चंस को आप अपने आप करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जैसे राहुल हैज 8 पेंसिल्स। राहुल के पास कितनी पेंसिल है बेटा, तो राहुल के पास है 8 पेंसिल्स, ठीक है, 8 पेंसिल्स। इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। 8 पेंसिल्स हैं, तो मैं यहाँ पेंसिल्स बना रहा हूँ, 1 पेंसिल 2 पेंसिल 3 पेंसिल 4 पेंसिल 5 पेंसिल 6 पेंसिल 7 पेंसिल 8 पेंसिल, है ना। और सोनू है 7 पेंसिल्स, सोनू के पास कितनी पेंसिल है, सोनू के पास है 7 पेंसिल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में ऑल टुगेदर, मतलब हाउ मेनी पेंसिल डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब दोनों के पास मिला के कितनी है, तो यहाँ पर मैं 7 पेंसिल दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7। अभी तो मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए हमें 10 का एक सेट बनाना पड़ेगा बेटा, है ना। 10 का सेट बनाते हैं हम, ये 8 पेंसिल्स तो हो गई, 9 10 यहाँ से ले लिया हमने, तो ये हो गई हमारी 10 पेंसिल्स। अब 10 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 11 12 13 14 15, तो 8 और 7 को जब ऐड करेंगे तो बेटा कितनी पेंसिल्स ऑल टुगेदर आ रही हैं, 8 और 7 को ऐड करके 15 पेंसिल्स वी हैव ऑल टुगेदर। तो दोनों के पास, राहुल और सोनू के पास मिला के कितनी पेंसिल्स हैं बेटा, 15 पेंसिल्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना या घटाना, ओके बेटा। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय बच्चों।